हाय सदाकत भाई, वेलकम टू टेरी ग्लैम। थैंक यू सो मच। आपके साथ मुलाकात काफी टाइम बाद हो रही है, यस फाइनली हम मिल ही गए। तो क्या कहना चाहूंगे, दोस्त इतना खड़ा हुआ है अपने दोस्त के लिए। लोगों का ये कहना है कहीं ना कहीं कि इस दोस्त को मुनव्वर कैसा पे बैक करेगा। देखो, पे बैक के लिए तो कभी सोचे नहीं हमने। वो हमारे साथ है, हमारे लिए वही सबसे बड़ा पे बैक है। और नो डाउट मैं बता रहा हूँ, अब तक मनोहर भाई के साथ में हमने जो जर्नी देखी है, जितना उनके तरफ से मेरे लिए सपोर्ट रहा ना, तो उसके सामने कुछ भी नहीं। सेलिब्रिटीज के भी सपोर्ट आने लगे, कितना आप खुश अपने आप को समझते हैं कि आपके इतनी मेहनत के बाद सेलिब्रिटीज का सपोर्ट आना बिना कुछ बोले किसी को? देखिए, मैं सेलिब्रिटी की सपोर्ट से ज्यादा, मैं जब हमारी जनता उनको सपोर्ट कर रही थी, आउट ऑफ वर्ल्ड से, वर्ल्ड मतलब है ना, आउट ऑफ इंडिया से भी लोगों के सपोर्ट्स आ रहे थे, उनकी वीडियोस वगैरह आ रहे थे, तब मुझे ज्यादा खुशी हो रही थी। और जहां तक सेलिब्रिटी की बात है, तो मुझे कहीं ना कहीं पता है कि उन लोग मनोहर भाई के फेस देखे, उन लोगों ने भी देखे, और वो कहीं ना कहीं कुछ लोग उनको जानते हैं अच्छे से, जैसे कि करण भाई हो गए, प्रिंस भाई हो गए, ये सब उनको अच्छे से जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, तो नो डाउट उनका सपोर्ट भी आना था। और अल्हम्दुलिल्लाह से भाई का जिस तरीके से नेचर है, उनने हिप हॉप इंडस्ट्री में, सिंगिंग इंडस्ट्री में, कॉमेडी इंडस्ट्री में, बोलते ना, एक अपना एक छाप भी छोड़ी है, और उनने एक ऐसा नेचर बना के रखा है सबके बीच में कि उनका एक ऐसी प्रोफाइल है कि लोग जब उनको बस मालूम पड़ने की देरी कि अच्छा मुनर भाई के लिए वोटिंग चालू हुई है, उनको सपोर्ट का टाइमिंग है, तो लोग खुद बढ़ के आगे आएंगे आएंगे। अभी जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने हर जगह अपनी छाप छोड़ी है, वही ईशा मालविया का कहना था कि इसे जानता ही कौन है, लॉकअप से ही तो लॉकअप का ही तो विनर है, बस वही है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये जवाब तो आपको बेहतर वो लोग बताएंगे जिनने लॉकअप देखा था। लोग कहते हैं कि भाई मुनव्वर लॉकअप की वजह से फेमस नहीं हुआ, लॉकअप मुनव्वर की वजह से फेमस हुआ है। तो ये दो लाइन काफी है लोगों को बताने के लिए। और देखो, कुछ वो एक कहा वो है ना लाइन्स के, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो वो कहेंगे। वो हमेशा कभी भी किसी चीज के लिए वो नहीं बताएंगे कि मैं एग्री करती हूँ कि हाँ इसका पहले इतना नाम था, अब इसका इतना नाम है, तो वो उनके तरीके हैं चीजों को इग्नोर करने के बस। बिग बॉस जो प्लेटफॉर्म है, क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ लड़ाई झगड़े का ही गेम है? क्योंकि कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि मुनव्वर का कुछ गेम ही नहीं है। यही यही चीज तो बिग बॉस सबको समझा रहे हैं ना। बिग बॉस का कहने का तरीका यही है, यहाँ पर तुम अपनी चीजें किस तरीके से प्रेजेंट करते हो ना, वो मायने रखा जाता है। बिग बॉस खाली तुमको एक सिचुएशन में लाके डालते हैं कि ऐसी सिचुएशन चल रही है, ये हो रहा है, उसमें तुम रिएक्ट कैसा करते हो ना, वो दिखाता है। लोगों को लगता है कि भाई ये इस टॉपिक पे झगड़ रहा है, इस टॉपिक पे लड़ रहा है, तो ही वो अच्छा खेल खेल रहा है। पर नहीं, मिनोर भाई का नेचर है ही नहीं, उनको झगड़े पसंद नहीं है। वो सही जगहों पे, सही चीज पे ही अपना स्टैंड लेते हैं। उनको लगता है कि यहाँ लोगों को प्यार से बोल के समझाना सही लगता है, तो उनको बोल के समझाते हैं। जहां इनको लगता है कि ये प्यार से बोलने पे नहीं समझेगा, तो वहां उनसे टकराते भी है, वन एंड वन उनकी होती भी, तू मैं सबने देखा है। तो वो वही है मायने कि तुम सही मुद्दे के लिए, सही टॉपिक के लिए अपनी आवाज रेस करोगे तो मायने रखता है। खाली फोटा टमाटर कांदे के लिए झगड़ रहे हो तुम लोग, तो वो मायने नहीं रखता। क्या कुछ, आप बहुत करीबी दोस्त हैं, हम आपको बहुत पहले से जानते हैं मुनव्वर के, आप सबसे ज्यादा करीब हैं, क्या कुछ सोचकर वो बिग बॉस के घर में गए थे? जी नहीं, कुछ सोच के नहीं गए थे। मुनोर भाई ने हमेशा जैसा कहा है कि उनको, उनके लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है उनकी जनता। वो हमेशा अपनी आर्ट की बहुत कदर करते हैं। उनने उनका हमेशा से एक ही मोटिव रहा है कि वो अपनी आर्ट को जिस तरीके से लोगों के बीच तक पहुंचा सके, स्टैंड अप और स्टेज उनके लिए बहुत मायने रखता है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म उनको ये भी लगा कि जिसके थ्रू लोग और उनको जान सकेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह से देखो, इंसान कहीं ना कहीं कैसा ना करके कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पे पहुंच ही जाता है। उस प्लेटफॉर्म के बाद में जो तुम्हारे असल, जो तुम्हारी बोलते हैं ना खूबियां है, तुम लोगों तक वो कैसे प्रेजेंट करते हो, तुम उसके बाद असल जर्नी तुम्हारी तो बिग बॉस के बाद स्टार्ट होगी। उसके बाद तुम लोगों तक कैसे इंटरेक्ट करते हो, उसके बाद तुम लोग देखो, बिग बॉस तुमको ऑडियंस के बीच में, लोगों के बीच में एक नोन फेस कर देता है कि अब तुमको जनता जानती है। अब तुमको दिखाना है कि तुम अपने रियल लाइफ में एज अ आर्टिस्ट तुम क्या हो, तो असल लड़ाई तो बिग बॉस के बाद स्टार्ट होगी उनकी। अभी ये जानना चाहेंगे, जिन 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 के साथ उनका झगड़ा हुआ, जिन जिन लोगों ने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए, उन्होंने मुनव्वर ने सबको टनल तक के छोड़कर आए, क्या कहना चाहोगे? देखो, नो डाउट भाई, तुम डोंगरी वालों से भिड़ोगे तो ये चीज तो होगी। और है एक कहीं ना कहीं एक फेस है उनका ऐसा, एक लोग कहते हैं कि भाई जब भी वो लड़ाई के मोड में आते हैं तो लोग बोलते हैं लो रज़ाक मोड ऑन हो गया है। तो वो उनका एक जो रज़ाक मोड है ना, जब वो कुछ वो उस मोड में आके अगर कुछ चीज बोलते हैं ना कि ये चीज होगी, तो वो डेफिनेटली होती है।
अल्हम्दुलिल्लाह से। और भाई का रहता है माइंड इतना शार्प है ना, तो वो गेम में हमेशा अलर्ट रहते हैं। लोगों को वो चीज़ लोग लगता है कि वो नोटिस नहीं करते, पर वो नोटिस करते हैं चीज़ों के हिसाब से, और उनको लगता है कि सिचुएशन के हिसाब से कैसे स्टेप लेना है, कैसा करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अगर बोल दिए तो वो चीज़ होगी होगी। ओके, इसके साथ साथ ये जानना चाहेंगे 28 तारीख को उनका बर्थडे भी है, बर्थडे की क्या कुछ प्लानिंग है? बर्थडे की कुछ प्लान, देखो हम लोग ऐसा बेसिकली हम लोग बर्थडे से इतना बनाते नहीं है। हम लोग तो हमारा सेलिब्रेशन वही होता है कि हम अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे मिल लिए, उनसे उनसे मुलाकात हो गई। अदरवाइज हमारे फैंस जो है ना उन लोग करते हैं, गरीब बच्चों के पास जाके खाना प्रोवाइड करते हैं मनोहर भाई के नाम से, उनसे मिलते हैं और एनजीओस में जाते हैं बहुत से लोग। तो वो जब चीजें भाई के पास आती है ना कि देखो हमने आपके लिए ये किया, हमने आपके नाम से ये किया ना, तो वो उनके लिए ज्यादा मायने रखता है कि उनके नाम से अगर कुछ हो रहा है, कोई उनके नाम से इस तरीके से सेलिब्रेशन कर रहा है ना, तो वो उनको खुशी होती है। वो 50-60 केक एक साथ लगा के काट रहे कर रहे कर रहे, वो चीज उनको नहीं पसंद आती है। उनका यही मानना है कि अगर तुम कुछ चीज कर रहे हो ना, तो वो उसका सबसे पहला फायदा उन बच्चों को जाओ जो इनको चीज नसीब नहीं होती। तो वो हमारा प्लानिंग ही उस तरीके से रहेगी कि हम लोगों में खुशियां बांट सके, भले से बर्थडे इनका है लेकिन उसको सेलिब्रेट सारी दुनिया करे। ओके, लॉकअप जब जीते थे तभी उन्होंने एसिड अटैक वुमेन्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, और उनकी पार्टी में भी, घर की पार्टी में भी उन्होंने कॉल बुलाया था उन्हें। क्या कहना चाहोगे अब उनकी तरफ से, कितना कुछ सपोर्ट मिल रहा है? बहुत सपोर्ट मिल रहा है। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिनको बताया नहीं जाता। करेक्ट, और ये सब चीजें तो है ही नहीं ना, तुम दिखावे के लिए कुछ चीज नहीं करते, तुम्हें पता है कि तुम्हें अपने जमीर को भी कुछ चीज जवाब देना है। तो कुछ चीजें हैं जो हम शो नहीं करते, लेकिन मुझे इस चीज का भरोसा है कि अगर मनोहर भाई किसी के टाइम पे किसी के लिए खड़े होते हैं ना, तो वो भी खड़े रहते हैं। बस हम लोग को पब्लिकली शो नहीं करना है कि क्या चीज चल रही है, क्या चीज हो रही है। हमको पता है कि हमको सिर्फ गेम के लिए चीजें नहीं करनी है, हमको आगे ऐसी चीजें भी करनी है जो हमारे, बोलते हैं ना, हमारी रूह को भी सुकून दे। तो हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सब काम हो रहा है। पहले आप लोग कैंपेन भी चला रहे हो, और आज जो है मेडिकल कैंप चला है, उनके नाम को नाम से डेडिकेट किया गया है, क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में? ये पहली बात तो ये कि ये हमारे डोंगरी के पास में हो रहा है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा, और मुझे इनवाइट किया गया था कि यहाँ पर ऐसा सा कैंप हो रहा है जो कि एक अलग यूनिक चीज है। तुम लोगों की मदद भी कर रहे हो और उसके साथ साथ तुम लोगों को बता रहे हो कि देखो एक ये सिचुएशन चल रही है, एक डोंगरी का हमारा लड़का है जो बिग बॉस में इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे है, आज उनको वोटिंग की जरूरत है। तो जब ये चीजें हो रही है ना यहाँ पर, तो इनमें से कितने सारे लोग ऐसे निकल के आ रहे हैं, उनके बीच में कितने सारे लोग ऐसे निकल के आ रहे हैं कि वो बोल रहे कि अरे यार ये लड़का तो हमारे सामने का बड़ा बड़ा हुआ है, अरे इसको तो हम देखते थे यहाँ दुकान में काम करता था, अरे इसको हमने देखा है कि वो बाइक पे वहां घूमता था, ये मतलब लोग जानते हैं वो फेस को। तो हमने बस लोगों को एक चीज के लिए अवेयर किया है कि देखो इनके लिए वोटिंग लाइन का टाइम आया है, तो हम चाहते हैं आप उनको सपोर्ट करो। तो एक एक भले काम के साथ साथ तुम लोगों को अवेयर भी करो, वोटिंग करो, तो ये बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है लोगों में। तो इसलिए मुझे, मेरा मन किया कि मेरे को यहाँ पर आके इन लोगों से मिलना चाहिए। कुछ लोगों को पता नहीं था वोटिंग किस तरह की जाती है, आपने वो भी कैंपेन चलाया है और बताने की कोशिश की, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानना चाहेंगे? जी, हमारे हमारे थोड़े घर से दूर एक स्लम एरिया है, वहां पर भी बहुत सारे लोग हैं जो मनोहर भाई को बहुत चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा उन लोग मोबाइल के बारे में कम नॉलेज रखते हैं। तो हम लोग ने आज वहां पर एक कैंपेनिंग किए थे, वहां पर लोगों को बताया कि आपको जियो ऐप डाउनलोड करना है। उसमें लोग, कितने लोगों ने जियो ऐप डाउनलोड करके रखे लेकिन उनसे वोट नहीं हो रहा, क्योंकि उनको नहीं पता क्या आपको नंबर भी रजिस्टर करना पड़ता है। तो वो सब हम लोगों ने लोगों को बताया कि आपको नंबर रजिस्टर करना पड़ता है, कहाँ जाके आप वोट कर सकते हो। और मैं हमेशा से, मेरा मानना है कि हमारी घर की औरतें बहनें हमारी जो है ना उस काम में इतने सक्षम है कि अगर तुम उनको कुछ चीजें समझाओगे ना कि कैसी करनी है ना, तो वो एक शिद्दत के साथ में अपने घर वालों को, अपने आस पड़ोस वालों को, अपनी बहनों को बताएंगे कि देखो इस चीज में करना है। क्योंकि मैं अपने घर में खुद देख रहा हूँ, मेरी मम्मी का कॉल चालू ही रहता है, मेरी खाला को, मेरी दादी को, मेरी नानी को, सब जगह कॉल सुन के चलते रहते हैं कि वोटिंग हो रही है क्या, नहीं घर पे बोलो वोट कराने के लिए, ऐसा वोट करना है, वैसा वोट करना है। तो मैं वही चाहता हूँ कि मेरी बाकी जितनी भी माएँ बहन है ना, सबको मैसेज पहुंचे कि वोट कराने के टाइम है कि आप वोट करो। जाते जाते ये जानना चाहेंगे, मुनव्वर का एक बार ब्रेकडाउन हुआ था शो में, आप लोगों का क्या रिएक्शन था? वो मतलब वो फेस तो मैं आपको क्या ही एक्सप्लेन करूं उसके बारे में, कि बस आप ये समझ लो कि पूरा घर रोया था, उनकी पूरी फैमिली रोई थी उस चीज के बारे में। लेकिन है, सब स्ट्रांग है, सब मुनव्वर भाई की तरह स्ट्रांग है। जैसे मनोहर भाई ने अंदर अपने आप को संभाला, यहाँ धीरे धीरे घर में वालों ने, सबने अपने आप को संभाला, और उसके बाद में सब उस फेज से निकले। जैसे जैसे भाई रिकवर करते गए, उनकी फैमिली और हम लोग सभी रिकवर कर लिए। अमरीन बहन के आने के बाद क्या कुछ उन्होंने कहा बाहर आकर, कितने स्ट्रांग वो हो गए है मुनव्वर, या क्या मुनव्वर से उनकी बातचीत हुई थी? हाँ, उनकी बातचीत हुई उनसे, और वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत वो थे चीजों को लेके। होता है ना कि जब तुम अपने फैमिली वाले को सामने देखते हो,
उनको देखना ही काफी हो जाता है। तो अपनी सिस्टर को देखने के बाद उनमें आधे से आधे हिम्मत तो तभी आ गई कि थोड़ी बहुत बातें उनने बताई कि है तेरे साथ में, तेरी जनता खड़ी भी है, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तू खेल खेलते रहा और पब्लिक तो बैठी है तेरे इंतजार में कि तू अपना मूव ले और उस तेरा साथ देने के लिए तेरी पब्लिक तेरा मूव ले। तो है उनकी जनता उनके साथ है और हमेशा रहेगी। वेल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें वुमन चीटर का टैग दिया गया है, और आपको लगता है क्या मनारा के साथ उनको दोस्ती रखनी चाहिए? अब देखो मैं ये चीज नहीं बता पाऊंगा क्लियरली, मतलब कैसा है ना कि वो जो अंदर वो जो वहां बैठे है ना वो सिचुएशन देख पा रहे, वो बेहतर जानते हैं कि उनको किसको सपोर्ट करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। और मैं अगर मैं कह भी दूं कि नहीं उनको मनोहर भाई को उसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन मनोहर भाई का नेचर ही ऐसा है कि अगर वो घर में किसको भी देखेंगे ना कि वो अपनी लाइफ में लो फेस में जा रहे हैं, इसको जरूरत है। आप कल का ही एपिसोड देख लोगे तो मैं देख रहा था मनोहर भाई मनारा को समझा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में, वो थोड़ा इमोशनली वो डाउन जा रहे थे, मनोहर भाई उनको समझा रहे थे चीजों को लेके। तो वो है उनका नेचर वैसा, उनका ऐसा नहीं है कि भाई मैंने अगर किसी से सोच लिया कि भाई आप इसको मुंह नहीं लगाना है, इससे दुश्मनी करना है तो अब इसको नहीं करूंगा, नहीं। वो अगर उनके दुश्मन को भी उनकी जरूरत पड़ेगी तो वो उनके साथ में खड़े रहेंगे। वुमन चीटर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं वो ऐसा मतलब ये ना लोग ही कह रहे हैं ना, आप बोल रहे कुछ लोग कह रहे ये कह रहे, तुम अगर उनको जो लोग पर्सनली जानते हो जो डे वन से जो उनके साथ में उनकी जनता जुड़ी हुई है, आप लोग बाहर भी देख सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह एक फॉलोवर का एक नंबर अलाउन भी अलग हुआ है। और ये इसीलिए होता है ना कि जब लोग तुमको जानते हैं लोग तुमसे जुड़ते जाते हो, तो डे वन से जो लोग जनता उनके साथ में जुड़ी हुई है ना वो आज तक जुड़ी हुई है, और वो सबसे बेहतर जनता ही जानती है जो उनको क्लोजली उनके पास आती है, उनके शोज पे मिलती है, उसके बाद में हम लोग लोगों से बात करते हैं, भाई कितने बार लाइव करते हैं, उनके शोज होते हैं ना, तो लोग बेहतर जानते हैं। और ये लोग कुछ जो लोग कह रहे हैं ना ये उनके ओपिनियन है, पर जो हजारों करोड़ों जनता है ना उनके ओपिनियन अगर आप लोगे ना तो उनका यही कहने का वो रहेगा कि हम कल भी मनोहर भाई के साथ थे और हम भी मनोहर भाई के साथ आज भी है, हमको नहीं फर्क पड़ता ये सब लाइंस। लास्टली जाते जाते ये बता दीजिए कि फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे, और ट्रॉफी अगर यहाँ डोंगरी आती है तो किस तरह का जश्न होने वाला है? डेफिनेटली ट्रॉफी डोंगरी ही आएगी। और फ्रेंड्स और सबको मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि वोट करो दोस्तों, वोटिंग लाइन चालू हो गई है, वोटिंग का सबसे बेहतर टाइम अभी है, तो आप लोग दबा के वोट करो भाई को, सबको अवेयर करो, फैंस फैमिली सबको अवेयर करो कि वोटिंग का टाइम है। आप में से कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि यार अल्हम्दुलिल्लाह से सब चाह रहे हैं सब लोग वोट कर ही देंगे तो मेरे एक वोट करने से क्या होगा, नहीं दोस्तों, बूंद बूंद से दरिया बनता है, तो आपका एक एक वोट बहुत मायने रखता है। तो आप भी वोट करो और सबको अवेयर करो कि वोटिंग्स करें और ट्रॉफी डूंगरी आएगी। और जश्न हम लोग क्या ही करें, लोगों में खुद में इतने एक्साइटमेंट है, सब लोग बहुत उस चीज को लेकर एक्साइटेड है, तो लोग खुद ब खुद जुड़ेंगे। वो हमेशा मनोहर भाई कहते हैं कि मेरे पीछे एक दुआओं का काफिला चलता है, तो लोगों को वो उस दिन देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। Thank you so much. Thank you.